नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभम मिश्रा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज यूपी। 12वीं पास करने के बाद एक छात्र के जीवन में कई बदलाव आते हैं। स्कूल की यूनिफॉर्म, सुबह की प्रार्थना जैसे तमाम नियमों से छुटकारा मिल जाता है तो वहीं एक नया सफर कॉलेज में शुरू होता है, जहां पर एक छात्र को अचानक से ही आज़ादी का एहसास होता है और इसी आज़ादी की आड़ में कई छात्र संवर जाते हैं तो वहीं कई छात्र ऐसे भी होते हैं जो इतना बिगड़ जाते हैं कि फिर उनको ठीक करने के लिए पुलिस को ही एक्शन में आना पड़ता है। और जब पुलिस एक्शन लेती है तो ये छात्र कहते हैं कि उन पर जुल्म हो रहा है, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। और छात्रों के आंसू देखकर हम सभी कई बार प्रशासन को ही गलत ठहरा देते हैं, लेकिन अब की बारी पुलिस ने जिन कॉलेज के छात्रों को पकड़ा है वो सभी रंगे हाथों पकड़े गए हैं और उसके बाद उनके पास ऐसे कोई शब्द नहीं है जिसके लिए वो कह सकें कि वो निर्दोष है। बता दें कि ये पूरा मामला आगरा के बिजपुरी से सामने आया है, जहां एक होटल में वो सब चल रहा था जिसकी इजाज़त ना ही हमारा कानून देता है और ना ही पुलिस को मिली सूचना पर पुलिस की एक टीम ने एक होटल में दिन दहाड़े छापेमारी की तो होटल में पुलिस ने जो कुछ भी देखा, देखने के बाद उसके भी होश उड़ गए। इस होटल में घंटे के हिसाब से 500 से 700 रुपए में रूम दिए जाते थे और बदले में होटल का संचालक ना ही कुछ पूछता था और ना ही कोई आईडी कार्ड लेता था, जिससे कॉलेज के छात्रों के दिल में फूल खिल उठे और यहाँ वो रोजाना लड़कियों और लड़कों का जोड़ा आने लगा और कमरे में जाके ये छात्र वो सब करते थे जिसकी इजाज़त ना ही कोई परिवार वाला देता है और ना ही हमारा कानून। साफ साफ कहें तो ये होटल अब सेक्स का अड्डा बन गया था। इसकी भनक पुलिस को लगी और पुलिस ने छापेमारी कर इस सेक्स अड्डा बने होटल से 12 लड़कियों और 13 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का छापा पड़ते ही होटल संचालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। इन पकड़े गए कॉलेज छात्रों को पुलिस अपने साथ थाने ले गई, जहां इन सभी से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के दौरान पुलिस ने इन सभी छात्रों के परिवार वालों के नंबर ले लिया है, जिनको बुलाकर अब उन्हीं के हवाले इन पकड़े गए लड़की और लड़कियों को सौंपा जाएगा। इसी के साथ पुलिस ने होटल का रजिस्टर भी जब्त कर लिया है। अब होटल का सराय एक्ट में पंजीकरण है या नहीं है इसको लेकर भी जांच शुरू हो चुकी है, जिसके बाद पुलिस इस पूरे देह व्यापार में दोषियों को सजा देगी। आप इस खबर को सिर्फ खबर की तरह बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि ये खबर कहीं ना कहीं आज के युवा की मानसिकता को दर्शाती है, जो कि जीवन में पढ़ लिख कर खुद के साथ देश का नाम रोशन करने की जगह ऐसे देह व्यापार करते हुए पकड़े जा रहे हैं। आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर को लेकर, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं और उत्तर प्रदेश से जुड़ी हर एक खबर को देखने के लिए आप भी अभी सब्सक्राइब करें वीके न्यूज़ यूपी। धन्यवाद।